हमारी प्रॉपर्टी को वापस किया जाए। अभी तक सरकार के द्वारा आपको क्या जो है आर्थिक सहायता कुछ मिला है? अभी नहीं मिला है। अभी हम तो चाहते हैं कि देखिए हमारे परिवार के लिए कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। और देखिए आज तो सभी लोग हैं, हो सकता है कल ना हो हमारे साथ, और हमें देखिए सुरक्षा की जरूरत है। मैं इसके बाद कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, कि हमारे संपत्तियों को वापस कराएं और उनके पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करें। अभी अखिलेश यादव आ रहे हैं 16 तारीख को आ रहे हैं, प्रेमचंद यादव घर जा रहे हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? हम तो ये भी कहेंगे देखिए वो हमारे बड़े पिताजी के समान है और बड़े भाई के समान है, सभी यहाँ के जो भी नेता हैं हमारे पिताजी के समान और हमारे बड़े भाई के समान, यहाँ तक कि मेरे पीड़ित हमें हमारे भावनाओं को संवेदनाओं को समझे। मान ली उनके पास तो माँ बाप भी है, उनके माँ है, उनके चाचा जी हैं, बाबा हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे पास कौन है? मेरे भाई के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं बचा है। हमारे भी पीड़ित को समझने की कोशिश करें। अभी जो यादव बनाम ब्राह्मण हो गया, इस पे क्या कहेंगे? ये सब सरासर झूठ बोला जा रहा है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे अखिलेश जी से? हम तो यही कहेंगे हमारे संवेदनाओं को समझे और हमें भी हम भी पीड़ित हमारे भी भावनाओं को समझे।